सर्दी से बचाव के नुस्खे, अगर शदीद सर्दी हो तो आपने ये चीज़ें खानी है, फिर आपको सर्दी नहीं लगेगी। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शीरीन ज़ादा और इस वक्त मैं जबीन जबा अफशार होटल में मौजूद हूँ। आज आपको मैंने जबीन जबा एक मखसूस अंदाज से दिखाना है और वो इस तरह है कि मेरे साथ ब्रिटिश पख्तून एसोसिएशन यूके के इक़्तदार हमारे साथ मौजूद है, इसके सदर बदरुद्दीन खान और जावेद इकबाल यूसुफ़ज़ई, इसके जनरल सेक्रेटरी कंवर रहमान, हमारे दोस्त यहाँ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर और ख्वातीन में जो विंग के सदर है ताहिरा खान, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अभी आप कहेंगे कि ये आग क्यों आप लोग जला रहे हैं, तो सर्दी है, सूरज भी है, लेकिन हमने सोचा कि चलो रात को तो नहीं जला सके, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो दिन के वक्त जला लेते हैं थोड़ा सा। तो आगे मिलेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि कभी जब अट्ठा तक हम पहुंच जाए और इनकी एक्टिविटीज़ और ख़ूबसूरत नज़ारे और इन दिनों में जो सूरत हाल है, मौसम बहार की आमद आमद है, तो ये सब मैंने आपको दिखाना है मेरे साथ में। पराठे इकबाल यूसुफ़ज़ई जिंदाबाद। नाश्ते में क्या क्या खिला रहे हैं हम पर? ये जो है ना चिकन कढ़ाई है। अच्छा। पराठे है देसी घी की। अच्छा। और ये जो है अंडा फ्राई है। अंडा फ्राई है। थैंक यू जी। ये आप चार होटल है जबीन जब्बा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। ये गाड़ी तकरीबन 4000 रुपये पर हमने कर ली है। 1 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन चूंकि मुश्किल रास्ता है तो यही वजह है कि ये लोग लेते हैं इस तरह। तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे। रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब बर्फ़ अभी पिघली है, कुछ ही दिनों हो गए तो पैदल जाता। आप घोड़ों में भी सफ़र कर सकते हैं, ये अगर आप देखें कैसे हो जवान हो, ठीक हो। ये अगर आप देखें तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, ये अभी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है यहाँ पर, देखते हैं क्या हो जाता है। नीचे अगर आप देखें तो ये जो है ना घोड़ों पर सफ़र जारी है। वड़ो कम से रख लिए मरदान ना पखैर रख ले, पखैर रख ले, पखैर रख ले। वेल डन वेल डन वेल डन। ये पहला गाड़ी है, इससे पहले कोई गाड़ी नहीं आई, इस वजह से थोड़ा फंस रहा है। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, पहली गाड़ी है। जबीन जबा टॉप तक हम पहुंच रहे हैं, पहली गाड़ी है ये, मतलब इससे पहले शायद ही कोई जीप आया हो। पहली गाड़ी है हमारी। अच्छा, इससे पहले कोई जीप नहीं आई। ठीक 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 ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम इनके मशहूर है कि हम पहुंचे और ये हम अभी पहुंचे टॉप तक। आप इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय कर देता हूँ, लेकिन बहुत ईजी हम पहुँचे।
लेकिन मैं इसके हक में हूँ कि पैदल आ पाए, ट्रैकिंग करे, कोलेस्ट्रोल और एरोकेसिड को ख़त्म करे। बर्फ़ अभी भी मौजूद है, मतलब काफ़ी बर्फ़ मौजूद है। हरियाली अभी नहीं आई क्योंकि यहाँ पर अभी भी सर्दी है, मौसम ख़ज़ां है, तो टाइम लगेगा। जहाँ सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है वहाँ पर बर्फ़ पिघल गया है, और जहाँ सूरज ना हो वहाँ पर बिल्कुल ठीक। तो ये सूरत हाल है। यहाँ कुछ दोस्त आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और इनको ये इलाका कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे? आदिल खान। हाँ, जगह बहुत अच्छा है। कहाँ से आए आप? हम पेशावर से आए। पैदल आए, घोड़ों पे, जीप में आए? पैदल आए। वाओ, वेल डन। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है नूर। नूर खान, कैसा लगा आपको ये इलाका? बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा नजारा है, बहुत अच्छा होटल भी मिल रहा है। पैदल आए आप लोग? हम लोग पैदल आया, बहुत मजा आया, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। यानी कोई भी आए इस जगह आए? अच्छा, घूमने के लिए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मेरा नाम अजीज खान। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? हम पेशावर से आए हैं। अच्छा, बहुत जबरदस्त। पैदल आए या गाड़ी में आए? आधा जो रास्ता था गाड़ी में आए, और बाकी जो था मतलब वो हम वॉक पे आए। अच्छा, बहुत जबरदस्त। मैं हर किसी को रेकमेंड करना चाहता हूँ, और पीसफुल इलाका है, बहुत जबरदस्त मौसम है, तो माशाल्लाह अच्छा फूड भी है, छह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सर, क्या कहेंगे, कैसा लगा गबीन जबा आपको? और गबीन जबा में आप गाड़ी में आए, जीप में आए, या घोड़े पे आए, या पैदल आए? मैं तो तीन ऑप्शन है, पैदल, घोड़ा और जीप। मैं जीप में आया और पैदल भी आया। अच्छा, दोनों मैंने, जहाँ तक हम पैदल आ सकते थे तो पैदल आए, फिर आप लोगों ने मेहरबानी की और जीप में बिठा दिया। तो जीप में जो है ना, क्योंकि साह लेना फिर मुश्किल हो गया था। हकीकत बोलेंगे, अब इस उम्र में हम क्या बोलेंगे कि हम दौड़ के नीचे ऊपर आए? नहीं नहीं, आराम आराम से, बंदा जब आ जाता है ना तो मतलब एक डेढ़ घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं। रास्ते में वो बहनें भी देखी कि वो भी पैदल आ रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुश्किल नहीं है, हिम्मत की बात है, इसको साफ सुथरा रखें। हाँ, बिल्कुल सही। ये जन्नत है और जन्नत में गंदगी न फैलाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। सर, आपको कैसा लगा, आपने क्या पाया यहाँ पर, और क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा आपको? मुझे यहाँ पर ये जो माहौल है और जो फितरी नज़ारे हैं, इसने मुझे बड़ा ही इम्प्रेस किया है, और मेरी असास जो है, मेरी रूह जो है, वो बड़ी मुतमईन और बड़ी खुश है। ठीक है। जो मैं चाहूँगा कि मेरे कौम के और जो लोग हैं, जो अफराद हैं, वो भी यहाँ हैं, इसको इंजॉय करें। जो लुत्फ़ मैंने उठाया है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने कौम के अफराद के साथ। जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है और आइंदा के लिए भी, कि जितने यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे और हमारी कौम की अभी जो लोगों की जो आदतें हैं उससे मैं ज़रा परेशान हूँ। यहाँ पर हर वक्त लोग खाते हैं, पीते हैं, कचरा फेंकते हैं, गंदगी करते हैं, तो मुझे डर लगता है कि 15-20 साल में ये सारा जंक बन जाएगा ये इलाका। और इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो फितरती हुसन है, वो उसमें बड़ा वो हुसन मान पड़ जाएगा। लिहाजा मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि जो भी टूरिस्ट आते हैं उन पर एक टैक्स लगाया जाए, क्योंकि हमारी हुकूमत का भी ये नारा है कि ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, सिर्फ कहने से नहीं होगा। लिहाजा हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि ये हमारे इलाके जो है ना, ये गंदगी का ढेर ना बन जाए। हमने कराची को और हैदराबाद को, लाहौर को, इस्लामाबाद के, पिशावर को गंदगी का ढेर बना दिया है। इसी तरह अगर लोग यहाँ आते रहे और इसके लिए बंदोबस्त न हुआ, तो ये जो है हमारे आइंदा नस्लें इस खूबसूरती से, इस फितरत से महरूम रह जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, बहुत। हमारे साथ तायरा खान मौजूद है, इनसे जानते हैं आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर, क्या बुरा लगा, और आप पैदल आए, गाड़ी में आए, घोड़े पे आए?
हम तो गाड़ी पे आए, ठीक है और यहाँ मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है इसका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट बहुत इट्स ब्यूटीफुल मैजिकल और बेटर देन स्विट्ज़रलैंड। इफ यू हैव नेवर बीन टू स्विट्ज़रलैंड फॉरगेट स्विट्ज़रलैंड, कम टू स्वात गबीन जबा, दिस इज़ द प्लेस टू कम एंड यू नो हियर यू कैन फाइंड एवरीथिंग, इट रियली डज प्लीज द सोल, everything is so clean, so bright, so fresh, the people here are very friendly and there's nothing to fear. As a woman you feel safe, you feel welcome, the people here are very welcoming, very friendly, and you know it's you know I'm speaking out to the men, please, okay, when you come out and you come out to enjoy yourself, also bring your families with you. It's important. I also want to say that to my sisters especially and to my brothers that, you know, Pakistan is a great place. It's a fantastic place. And the more you come out and see the world, see Pakistan, the greater awareness you have of your own culture, of your own heritage, and especially our youth, they need to come and see how beautiful Pakistan is. So brothers, you need to bring your families, but sisters, you also need to insist that you also want to come and see how beautiful Pakistan is. Thank you. ऑप्शन है, आप पैदल भी आ सकते हैं, आप घोड़े पर भी आ सकते हैं और आप जीप में भी आ सकते हैं, मर्जी आपकी है। कहेंगे कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, अभी हमदी सुभानअल्लाह अजीम, बड़ा प्यारा मंजर रहा, देख के दिल बाग बाग हो गया कि अल्लाह पाक ने हमारे को इतनी नेमतें दी है कि जितना शुक्र अदा करे कम है। बहुत शुक्रिया, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही राय है हमारी भी, हम लोग को भी बड़ा मजा आया यहाँ कर, ऐसी खूबसूरत जगह। कराची से आए हम लोग, ठीक, और फर्स्ट टाइम आए हम लोग इधर, जब हमें पता चला कि ऐसी जगह है इधर दरियाफ्त की गई तो हमने बोला चले विजिट करें, देखें कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगा। घोड़ों पे आए कि पैदल आए? पैदल आए। वाओ, आप क्या कहेंगे, नाम क्या है? कहूँगा जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, चाहे वो जो भी हो, जहाँ भी हमें लोग मिले। थैंक यू सो मच, हमें मदद भी, हेल्प भी की हमारी, तो आप यहाँ जरूर आए, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत जगह है गबीन जब्बा। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा आलम है और चासा से तालुक है। अच्छा, और आज गबीन जब्बा आया हूँ, बहुत जबरदस्त जगह है, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है और यहाँ के जो इंतजामिया है और यहाँ के आवामी लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज है, बहुत कोऑपरेटिव है। थैंक यू। भट्ट खान, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? मेहमानों के साथ आप आए तो हम बहुत खुश हुए, हम कला पर्वत को बोले भी थे कि आप आइए हमारे साथ, ठहरी है मेहमान, आप आए इंग्लैंड साहब के साथ आए हैं। जी जी, और बहुत खुश हुए आप लोगों से मिलकर, और माशाल्लाह आपको तो पूरा स्वाद, अब तो स्वाद के डॉन है, एडवेंचर के तो आप डॉन है आपको जो माशाल्लाह जो जगह आप दरियाफ्त करते हैं, लेकिन मैं आपको अभी जो शिंगरे डन वाला बोला था ना, हाँ, इन लोगों को उधर लेके जाओ इंशाल्लाह, हम गए थे, बहुत जबरदस्त जगह है। बिल्कुल ठीक, और इधर तो माशाल्लाह मेहमान आते हैं तो ये तो
जबरदस्त जगह है, बहुत जगह है। मामा क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, मौसम भी बहुत अच्छा है, मेहमानों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया जी। खैरत मोहम्मद आप क्या कहेंगे हमारे साबिक नाजिम? कि आप पाकिस्तान का हीरो है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टूरिज्म में जो आपका जितना रोल है, मेरे ख्याल में आपके बराबर कोई नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए और ये हमारा इलाका आपकी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा मशहूर हुआ और हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। भट खान के मेहमान नवाजी बिल्कुल जी, गट खान की मेहमान नवाजी जो है ना वो पूरे स्वात में मशहूर है और मैं इनकी मशहूर हूँ। प्रोग्राम है बिल्कुल, हमें खुशी होंगी कि आपके मेहमान हमारे साथ दो एक दो नवाला ले ले ताकि हमको खुशी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। पुख्तानी के खबर पूरी।